हेलो दगड़िया पढ़ना मेरे पहला में नमस्कार। मैं आशीष विस्पाड़ी, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, नई सुबह की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। फिर ये देख रहे हैं आप, और बात करें आज की मौसम की, मौसम आपको बाहर ले जाके बताता हूँ। उससे पहले मैं अभी कमरे में बैठा हूँ, और दोस्तों कल हमारे वहाँ जागरण थे, उसके चलते आज मैं अपना ब्लॉग 10 बजे उठ रहा हूँ। 10 बजे उठ रहा हूँ दोस्तों, और मैं किस समय सोया बताऊं? मैं 3 बजे सोया और अभी 10 बजे उठ रहा हूं। तो ये ब्लॉग अभी आपको मतलब स्टार्ट कर रहा हूं फिर 10 बजे उठ के, और यहाँ पे हाथ मुंह धो दिया है मैंने, और इसके बाद नहाता हूं और देवताओं ने पूरा साजी 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 लगा दिया है सर में, तो साजी साजी हो रही है सर में, तो ये भी साफ करना है। तो दोस्तों बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको, और देखो कई काल आ रही है यार, मजा आ रहा है। तो बाहर का मौसम देख सकते हैं आप, बढ़िया सी धूप आई हुई है, और मम्मी ने यहाँ गाय बांधी, गाय बांधी है, नहीं बांधी है आज, गाय भी अंदर ही है। तो मौसम ये है फिर आज का, गायों को दिखाते हैं, ये बाछी यहाँ, आज गाय अंदर ही है, देख सकते हैं दोस्तों गाय अंदर ही बांधी है। ये अपनी छोटी बच्ची यहाँ पे सोई है। ला बच्ची, तो यहाँ पे बच्ची लोग अंदर सोए हैं, खाना आना खा के, पानी आनी पी के। तो आज बाहर कच्चार हो रहा है ना बहुत, कल बारिश हुई थी शायद, उसके चलते बहुत ही कुछ छीने लग जाते हैं, मच्छर लग जाते हैं, तभी इसको बांधने बाद शायद या बात की चले गई अंदर, मैं लेट हो रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो कमरे में जाते हैं, नाश्ता करते हैं थोड़ी देर, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं कमरे में हूँ अपने, और मैंने मेहंदी लगाई हुई है अपने बालों में, क्योंकि पहले बहुत पहले मैंने ब्लीच लगाया था ना लाल वाला, तो उसके चलते मतलब लाल बाल, मैंने कलर भी लगाया, वो अलग मेहंदी लगा दी थी मैंने काली वाली, मतलब डुप्लीकेट ही समझ लो 10 रुपये वाली, तो मैंने 30 रुपये वाली लगाई है, गाय क्या इसका नाम जो भी है नाम, और फिर मैंने उसको लगाई तो 10 रुपये वाली मेहंदी बहुत पहले, तो अभी देख रहा हूँ तो भयंकर लाल बाल आ गए हैं वाली बात ना, लाल वाल आ गए, यामिनी लाल वाल आ गए। मैंने कहा यार ये वाली मेहंदी लगा लेता हूँ, ये बढ़िया है, 30 रुपये वाली जो मिलती है गार्नियर वाली, अभी नाम याद आ गया तब बता रहा हूँ आपको। तो पूरा काला काला हो गया देख सकते हैं मुँह में, सब जगह दाढ़ी में पूरा काला कर दिया मुँह। और बाहर का मौसम दिखाता हूँ आपको, मौसम अभी तो कई अच्छा हो रखा है, कई बढ़िया धूप आई है, ठलकेदार पहाड़ के वहाँ दिन भर ढके रहते हैं ठलकेदार पहाड़ तो हमारा। तो ये है फिर अभी का अपडेट, दिन का अपडेट, आजकल घर ही में हूँ, घर ही में ब्लॉग बना रहा हूँ, तो उसके कारण आज सिलेंडर भी बना है, सिलेंडर की गाड़ी आई हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर की गाड़ी आ चुकी है हमारी, और हमारी अम्मा लोग आज कम भीड़ लगी हुई है, तो ये दुकान में भी सिलेंडर भरने आए हुए हैं ये काकू लोग। तो सिलेंडर काफ़ी बढ़ चुका है फिर, पिछले बार 1080 था, और इस बार हो चुका है 1130 हो चुका है, इस बार 1130 हो चुका है। तो बढ़ते दिन बहुत महंगाई बढ़ते जा रही है, और सिलेंडर की गाड़ी आ गई है हमारे वहाँ पहाड़ में, ऐसे सिलेंडर भरे जाते हैं, आपके वहाँ तो ऑनलाइन ही सीधे ऑनलाइन सिलेंडर भर के तुरंत घर में पहुँचाते हैं, और हमारे वहाँ ये देखो सब सिलेंडर लाते हैं, और कंधे में बोक के, पीठे में ढोके में बोक के, ढोका देख रहे होगे आप, ये ढोके में रख के और घर पहुँचाया जाता है। ये हमारा पहाड़ी ढोका देख सकते हैं आप, इस तरीके का होता है ये डुक्का, देख सकते हैं इसमें सिलेंडर रखते हैं और ले जाते हैं घर को, तो सिलेंडर भरते हैं बढ़िया करके। यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है, और यहाँ का मौसम अभी ऐसा है ये, और हमारे यहाँ पे गड्डी उस्ताद यहाँ
कहा भाई भाई। तो दोस्तों ये हमारे गड्डी उस्ताद हैं जो गाड़ी चलाते हैं दिल्ली गाजियाबाद, बता दो। हाँ लखनऊ देहरादून मेरठ, कॉन्टेक्ट नंबर इनका हम दे देंगे, हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ सब चलते हैं, ऑल इंडिया ऑल इंडिया। यहाँ पिथौरागढ़ से दिल्ली जाना हो कहीं जाना हो कॉन्टेक्ट 8193-00-00-7140-7140। नाम गणेश राम, गड्डी उस्ताद करके फेमस। ये एफजी में संपर्क करें, संपर्क करें गाइस इनको। दोस्तों ये हमारे काकू हैं, काकू और ठीक ठाक बढ़िया। और क्या हो रहा है वीर? सिलेंडर भर रहे हैं। सिलेंडर कहाँ से आ रहे हो वीर? अभी घर से आ रहे हैं सिलेंडर भरने के लिए। बैग वैग लगा के घर से कहाँ से आ रहे हो? मार्केट को भी जा रहे हैं ना। हाँ तो सिलेंडर भरो, कहाँ है आपका सिलेंडर? लेके जा रहा है देखो, ये तो उसका सिलेंडर है तो वहाँ है ना भर रहे हैं। चलो और ये अपने अंकल जो यहाँ पे सिलेंडर बुक वुक देख रहे हैं और पैसे ले रहे हैं और सिलेंडर ऊपर से दे रहे हैं। हेलो तरुण। तो ये हमारे अंकल जो बुक में लिख रहे हैं कल ठीक ठाक और बढ़िया हो रहा। तो ये दिखा दिया मैंने आपको हमारे अंकल और काकू ठीक ठाक और बढ़िया हो उस तो बोल तो हरियाण सिलेंडर गैस का तो चल रहा है। चलो रेट वो वहाँ उससे आ जा रहा है, मैसेज होगा आपके इसमें मैसेज आया है, आओ अपने उससे बता दो। तो देख सकते हैं दोस्तों काकू से थोड़ा बात करना चाह रहा था, काकू बोल नहीं रहे हैं। काकू बोलना नहीं चाह रहे हैं, काकू बिजी है अभी। तो पैसे गिनने में लगे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत काकू से बात कर लें करके। काकू बात करना नहीं चाह रहा है हमसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने काकू यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो काकू ठीक ठाक है? बढ़िया बढ़िया और ठीक ठाक हो रही। ठीक तो हो रही है, हमें नहीं हो मेरी दुकान जो याद किला हो रहा चिंता। बताओ नहीं ये देखो दोस्तों, ये हमारे काकू के लिए, काकू की शादी करने के लिए काकू के लिए लड़की टूटो ना। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे आज यहाँ पे देख सकते हैं आप, मीट बना हुआ है, मीट चिकन बना हुआ है, यहाँ पे मुर्गा बना हुआ है आज। और ये देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे खाना खा रही है और यहाँ पे पापा खाना खा रहे हैं अपना। हेलो गाइस। हेलो ठीक चाय? बढ़िया गाइस और सही है। आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया, हमारे दोस्त आए अभी, उनको खाना खिलाया हमने, यही मीट खिलाया और बस उसके बाद पापा के दोस्त आए थे दोस्तों, तो उनको खाना खिलाया और बढ़िया। यहाँ से टीवी चली है देख सकते हैं, टीवी देख रहे हैं खाना खाते हुए। और ठीक हो रही हो भाई? बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। थोड़ा सा एक बोतल भी लाए थे, एक बोतल में हमने 5 आदमी थे, थोड़ी सी चुस्की लगाई बस। और बढ़िया बढ़िया मजा आ रहा है और खाना खाने में मजा आ रहा है। अब खाना खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे थोड़ी देर, 2 घंटा आराम करेंगे, फिर उसके बाद दुकान खोलेंगे। सुनना पाए हमारी बात। दोस्तों देख सकते हैं अंकिता बिष्ट स्कूल से आ गई। हेलो अंकिता। तो यहाँ पे मम्मी ने खाना खा लिया। हेलो मम्मी। तो दोस्तों यहाँ पे अंकिता आ गई है मेरी स्कूल से और यहाँ का मौसम देख सकते हैं। ओ वहाँ से देखो, हमारे वहाँ ओ भिलौट साइड से आती है बारिश, उस साइड से आती है, तो वहाँ से देखो मौसम कई भयंकर ही हो गया, तगड़ा हो गया मौसम वहाँ से, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। फिर वहाँ से बारिश आ गई, धीरे धीरे आ रही है यहाँ को।
दिन का अपडेट ये है, फिर शाम मौसम पहाड़ों का किस समय भी बदल सकता है। आप ऐसा करना मतलब ना चौमास में हमारे वहाँ जैसे जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में पहाड़ में मत करना, पहाड़ घूमने मत आना, क्योंकि पहाड़ घूमने आओगे तो लैंड स्लाइड भी हो जाते हैं। कई लोग हमारे वहाँ ऐसी घटना हो रही है, कई लोग लैंड स्लाइड के उससे या बाढ़ हाड़ कहाँ पे पानी नाला आ जा रहा है वहाँ, मतलब उसके वजह से कई लोग ऐसे घटना हो जा रही है उनके साथ, कई बग जा रहे हैं और कई दब जा रहे हैं, ऐसा हो जा रहा है। तो आप पहाड़ घूमने आओगे तो मतलब ये जुलाई के महीने में तो आना ही मत, जुलाई अगस्त के महीने में मत आना, क्योंकि ये महीनों में हमारे वहाँ चौमास लग जाता है। तो उसके चलते आपको बता दे रहा हूँ, ये महीनों में मत आना आप, सितंबर में आ जाना। सितंबर में उतना पहाड़ों में कुछ नहीं होता है, ज़्यादा कुछ घटना नहीं होती है फिर। तो थोड़ी देर के बाद मिलूँगा, थोड़ी अपडेट आपको मैं देना चाह रहा हूँ, अभी दी मैंने थोड़ी अपडेट, आपको थोड़ी देर बाद दूंगा मैं अपनी अपडेट, ठीक है, अभी के लिए बाय। देख सकते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो उस साइड से मौसम काफ़ी भयंकर ही हो रहा है, तो हमारे वहाँ की बारिश यहाँ से आती है, देखो इस साइड से आती है, तो जो बारिश इस साइड से आती है ना ये बड़ावे साइड से, वो बारिश यहाँ तक ही इतने में ख़त्म हो जाती है, और जो ये यहाँ से आती है हमारे वहाँ बारिश थलकेदार से होते हुए थलकेदार। तो दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं देख सकते हैं आप, तो ये मेरे कमरे के बाहर पे आए हुए हैं, तो सरिया के उसमें हमने जो छोड़ा है उस पर बैठे हुए हैं और बढ़िया नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ से कई तगड़ा नज़ारा हो रहा है, और यहाँ पे मौसम ऐसा ख़राब हो गया, बारिश हो रही है, तो बढ़िया करके चाय पीने में मज़ा आ जाता है ऐसे मौसम में ना। तुम्हें जाकर भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने मिली जो याद मिल के बाटे तेरे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ बारिश लगी है ना, उसके चलते काफी मतलब ठंडा हो गया है, और बढ़िया करके मैं चाय पी रहा हूँ अभी, चाय पीने में काफी मजा आ जाता है। दुकान में बैठा हुआ हूँ अभी, मैंने बोला क्या करूँ, ठंडा भी हो रहा था आप में, तो मैं ये बनियान ला गया हूँ और बढ़िया करके चाय के मजे ले रहा हूँ। ये देख सकते हैं चाय बिल्कुल गरम गरम चाय, ठंडे में मज़ा आ जाता है, सुड़की लेने में ठंडे में मज़ा आ जाता है ना, चाय पीने में। चाय पीते हैं बढ़िया करके, और दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब कर दें, और बल्दा घाण जरूर दबा दिया कि लगी अगली वीडियो तुम तक आ सको। मिल चुका गाइस अगली वीडियो में, लेकिन बाय, चाय के मजे लेता हूँ, दूसरे ब्लॉग में मुलाकात होगी, ठीक है, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, बस ब्लॉग लाते रहूँगा।